सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं आप लोगों के लिए गो प्रिंसेस गो का पार्ट 3 लेके आ चुकी हूँ। अगर आपने इसके पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेशन में भी मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो बिना समय गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमने पिछले पार्ट में देखा था कि जियांग इन की ड्रेस खुल जाती है, जिस पर क्वी शेंग इन सब चीज का जिम्मेदार पिंग पिंग को ठहराता है और उल्टा उसको थप्पड़ भी मार देता है। लेकिन यहाँ पे दिखाया जाता है कि जियांग इन ने अपनी ड्रेस खुद खोली थी ताकि वो पिंग पिंग को नीचा दिखा सके। रात को क्वी शेंग पिंग पिंग के पास जाता है और उसकी चोट पे मरहम लगाने लग जाता है और अपनी गलती एक्सेप्ट करते हुए बताता है कि मैंने इस केस पे इन्वेस्टिगेशन की और यहाँ से मुझे पता चला है कि आज जियांग इन की ड्रेस उसकी मेड ने नहीं पहनाया था, आज जियांग इन ने अपनी ड्रेस खुद पहनी थी, जिस वजह से उसकी ड्रेस अपने आप ही खुल गई। और जाते जाते क्वी शेंग ये कहता है कि मैं बचपन से ही जियांग इन को जानता हूँ, लेकिन आजकल मैं महसूस करता हूँ जितना जियांग इन अपने आप को बेबस और लाचार बनाने की कोशिश करती है उतनी वो असलियत में है नहीं। और ऐसा कहती वो वहाँ से चले जाता है। इसे सुन के पिंग पिंग मन में कहने लग जाती है चलो इसे कुछ तो समझ में आया। अगले दिन जब पिंग पिंग पानी के अंदर रिलैक्स कर रही होती है कि तभी वहाँ पे यांग्यान आ जाता है, मतलब कहीं पे भी पहुँच जाता है ये भी। यांग्यान पिंग पिंग को दवाई की शीशी देते हुए कहता है कि ये क्यूहान ने आपके लिए भेजा है, आप इसे अपनी चोट में लगा लेना, ये क्वी शेंग की दवाई से भी ज्यादा असर करेगा। जिसे सुनकर पिंग पिंग कहती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे क्वी शेंग ने दवाई दी है, जिस पर यांग्यान कहता है कि कल मैं आपके वहाँ पे आया था तो मैंने आपकी रात को सारी सुन ली थी। जिसे सुनकर पिंग पिंग काफी गुस्सा हो जाती है। यांग्यान आगे बताता है कि क्यू हान आपको आज सरप्राइज देना चाहते हैं, इसीलिए वो आज आपसे शाम को मिलना चाहते हैं, जिस पर पिंग पिंग साफ साफ कहती है कि मैं नहीं मिलूंगी। पर यांग्यान शाम को पिंग पिंग को बेहोश करके क्यू हान के महल तक लेके चले जाता है। वहीं पे दूसरी तरफ क्वी शेंग पिंग पिंग से मिलना आता है, जहाँ पे पिंग पिंग तो मौजूद होती नहीं है। वहीं दूसरी तरफ पिंग पिंग क्वी हान साथ में वाइन पीते हैं, जिसके बाद क्वी हान पिंग पिंग को सॉन्ग सुनाता है, जिसे सुनकर पिंग पिंग मन में कहती है कि ये बहुत ही ज्यादा रोमांटिक सॉन्ग है। तभी पिंग पिंग नोटिस करती है कि क्वी हान काफी टाइम से उसकी तरफ देख ही जा रहा है। पिंग पिंग क्यू हान की तरफ मुड़ती है और कहती है कि मुझे इस तरह से मत देखो, जिसके बाद क्यू हान कहता है कि पानी में गिरने के बाद से तुम काफी ज्यादा चेंज हो गई हो, और आगे कहता है कि तुम्हें पता है ना मैं तुम्हें क्वी शेंग से पहले से और क्वी शेंग से ज्यादा लाइक करता हूँ, लेकिन हमारे ग्रैंडफादर तुम्हें काफी ज्यादा अच्छा मानते थे और हम सभी भाइयों में से वो थर्ड ब्रदर को ज्यादा अच्छा मानते थे, जिस वजह से उन्होंने तुम दोनों की शादी कर दी। जिसके बाद पिंग पिंग मन में सोचने लग जाती है कि मेरा पति किसी और को लाइक करता है, लेकिन उसे क्या पता कि उसकी वाइफ को कितने सारे लोग लाइक करते हैं। रात को जब पिंग पिंग घर पहुंचती है तो वहां पे क्वी शेंग ऑलरेडी मौजूद होता है, जिसके बाद पिंग पिंग मन में सोचने लग जाती है कि इसका फेस देख के लग नहीं रहा है कि इसे कुछ पता है मेरे बारे में कि मैं कहां गई थी। इधर क्वी शेंग पिंग पिंग से पूछता है कि तुम्हें किस तरह के आदमी पसंद है, जिस पर पिंग पिंग कहती है कि ये मैटर नहीं करता मुझे कैसे आदमी पसंद है, बल्कि सबसे ज्यादा मैटर ये करता है कि वो इंसान है कौन। जिस पर क्वी शेंग कहता है कि थोड़ी देर के लिए मान लो कि मैं तुम्हारा पति नहीं हूँ तो तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो, जिस पर पिंग पिंग सीधा सीधा जवाब देती है और कहती है कि तुम थोड़े गुस्से वाले हो और कभी हंसते भी नहीं हो, अगर तुम थोड़ी सी भी स्माइल दोगे तो अच्छे लगोगे। जिसे सुन के क्वी शेंग काफी गुस्से में आ जाता है और वहां से गुस्से में चले जाता है। अगले दिन पिंग पिंग को क्वी शेंग का आदेश आता है कि उसे क्वी शेंग के साथ जगह देखने जाना है, और पिंग पिंग तो क्वी शेंग का आदेश ठुकरा तो सकती नहीं, जिस वजह से पिंग पिंग निकल जाती है एक दरबारी के साथ क्वी शेंग के पास। रास्ते में पिंग पिंग को क्वी हान का टेंट भी दिखता है, जहाँ पे यांग्यान को पिंग पिंग का दरबारी कुछ ठीक नहीं लगता, और यहाँ पे यांग्यान ये भी नोटिस करता है कि वो आदमी पिंग पिंग को गलत जगह से लेके जा रहा है। जिसके बाद यांग्यान अपने सिपाहियों से कहता है कि जब क्वी हान वापस आ जाए तो उन्हें बता देना कि मैं इधर गया हूँ, जिसके बाद यांग्यान निकल जाता है पिंग पिंग को बचाने के लिए। दूसरी तरफ पिंग पिंग को भी लगता है कि शायद से वो गलत रास्ते से जा रहे हैं, जिस पे दरबारी कहता है कि नहीं हम तो सही रास्ते से जा रहे हैं। यहाँ पर पिंग पिंग को दरबारी पे यकीन नहीं होता है और पिंग पिंग दरबारी से कहती है कि मुझे वॉशरूम जाना है, और वॉशरूम का बहाना बनाते हुए पिंग पिंग वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक दरबारी पिंग पिंग की चाल समझ जाता है और पिंग पिंग को मारने के लिए निकल जाता है कि तभी वहां पे यांग्यान पहुंच जाता है और उस दरबारी को काफी मारता है, लेकिन यांग्यान भी उस दरबारी के सामने टिक नहीं पाता है कि तभी अचानक से पिंग पिंग और यांग्यान नोटिस करते हैं कि आगे से बहुत सारे घोड़े उनकी तरफ भागते हुए आ रहे हैं, लेकिन वो फिर दोबारा से नोटिस करते हैं कि उन घोड़ों में क्वी हान और उनके सिपाही हैं, जिसके बाद वो उन दरबारियों को पकड़ लेते हैं कि तभी पिंग पिंग काफी ज्यादा कमजोर की हालत में होती है और कमजोरी के कारण पिंग पिंग वहीं पे बेहोश हो जाती है।
जब पिंग पिंग की आंखें खुलती है तो वो देखती है कि वो क्यूहान के टेंट में है। वहीं पे दूसरी तरफ क्यूहान उस दरबारी से कह रहा होता है कि मुझे ये तो पता है कि तुम्हारा मालिक कौन है, लेकिन मुझे ये जानना है कि तुम लोगों का मकसद क्या है। जिस पे नॉर्मल बॉलीवुड के गुंडे जो जवाब देते हैं, वैसे ही ये दरबारी भी जवाब देता है कि मेरे को आप जितना भी मान लो, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा कि हम लोगों का मकसद क्या है। सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पे दिखाया जाता है कि कुछ काले कपड़े पहने हुए आदमी लड़ाई करने के लिए कहीं जा रहे होते हैं और उन लोगों का मालिक और कोई नहीं क्वीमिंग होता है। और यहाँ पे साफ साफ पता चल जाता है कि क्वीमिंग जो है क्वीशेंग से अपना बदला लेने के लिए ये सब कुछ कर रहा होता है। दूसरी तरफ क्यूहान पिंग पिंग से मिलने आता है, जहाँ पे पिंग पिंग क्यूहान से पूछती है कि क्या तुम्हें पता चला उस आदमी को किसने भेजा था, जिस पे क्यूहान क्वीशेंग का नाम लेता है, जिसे सुनके पिंग पिंग काफी हैरान हो जाती है और उसे यकीन नहीं होता है कि क्वीशेंग ने उसको मारने के लिए ये सब कुछ करा है। लेकिन यहाँ पे हमें ये भी नहीं पता कि क्यूहान ने यह सब कुछ सच कहा है कि झूठ कहा है। थोड़ी देर में क्यूहान के एरिया में क्वीशेंग पहुंच जाता है अपने सिपाहियों के साथ पिंग पिंग को वापस लेके जाने के लिए, लेकिन ये दोनों आपस में कुछ बात कर पाते हैं कि तभी वहां पे क्वीमिंग के आदमी आ जाते हैं और चारों तरफ आग लगा के हमला बोल देते हैं। पिंग पिंग को कोई चोट ना पहुंच जाए तो क्यूहान उसे वहां से जाने के लिए कहता है, लेकिन पिंग पिंग को जाता हुआ क्वीशेंग और कुछ गुंडे देख लेते हैं, जिसके बाद वो गुंडे पिंग पिंग के पीछे पड़ जाते हैं, जिसके बाद पिंग पिंग को कुछ नुकसान न पहुंचे तो क्यूहान भी उनके पीछे पीछे चले जाता है उन लोगों को मारने के लिए। और बेचारा हमारा क्वीशेंग उन सभी बाकी दुश्मनों से खुद अकेले लड़ने लग जाता है। दूसरी तरफ क्यूहान भी थोड़ा घायल हो जाता है उन दुश्मनों से लड़ते लड़ते, और उनसे छुपने के लिए क्यूहान पिंग पिंग के साथ पानी में छलांग लगा देता है और पानी के दूसरी ओर जाने लग जाता है। दूसरी तरफ क्वीशेंग सभी लोगों को मारकर पिंग पिंग वाले रास्ते में चले जाता है और इतना बड़ा तालाब देखकर क्वीशेंग कहता है कि पिंग पिंग को तो तैरना ही नहीं आता है, जिसके बाद क्वीशेंग भी पानी में कूद मारता है और पिंग पिंग को ढूंढने लग जाता है। तो क्वीशेंग इतनी ज्यादा पिंग पिंग की केयर कर रहा है तो वो कैसे भेज सकता है किसी गुंडे को पिंग पिंग को मारने के लिए। तो मुझे लग रहा है कि शायद से क्यूहान ने झूठ बोला होगा ताकि पेंग पेंग के मन में नफरत बन सके क्वीशेंग के लिए। क्यूहान पानी में ही बेहोश हो जाता है, जिस वजह से पिंग पिंग को बड़ी मुश्किल से अपने आप को भी और साथ ही साथ क्यूहान को भी पानी की दूसरी तरफ लेके जाना पड़ता है। और यहाँ पे तो क्यूहान बेहोश हो चुका था, जिस वजह से पिंग पिंग को ना चाहते हुए भी क्यूहान को CPR देना होता है। और यहाँ पे बहुत अजीब सा सीन दिखाया जाता है, जब क्यूहान होश में आता है तो वो अपनी जीभ को पिंग पिंग के लिप्स से टच करवाता है। पिंग पिंग क्यूहान की चोट देखकर अपने कपड़ों से उन चोटों पे पट्टी बांधने लग जाती है कि तभी थोड़ी देर बाद क्यूहान दोबारा से बेहोश हो जाता है, जहाँ पे पिंग पिंग नोटिस करती है कि क्यूहान को काफी ज्यादा बुखार है, जिसके बाद पिंग पिंग पूरी रात तालाब तक के चक्कर काटती है और अपने कपड़े के टुकड़े को गीला करके क्यूहान के सर पे रखती है ताकि क्यूहान का बुखार जल्द से जल्द ठीक हो जाए। और यहाँ पे पिंग पिंग ये सब कुछ इसलिए भी कर रही होती है ताकि क्यूहान जल्दी ठीक हो जाए और क्यूहान के अलावा और है कौन उसको बचाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे पिंग पिंग यही सोच रही होती है कि क्वीशेंग उसे मारना चाहता है और एक क्यूहान ही है जो उसे बचाना चाहता है। अगले दिन जब पिंग पिंग उठती है तो तब तक क्यूहान का बुखार बिल्कुल ठीक हो चुका था, जिसके बाद पिंग पिंग क्यूहान से कहती है कि तुम यहीं पे वेट करो, मैं तब तक कुछ खाना ढूंढ के आती हूँ। मछली पकड़ने के लिए पिंग पिंग तालाब के पास जाती है, जहाँ पे पिंग पिंग को क्वीशेंग की बॉडी मिलती है, जिसके बाद पिंग पिंग क्वीशेंग को उठाती है और पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, जिसपे क्वीशेंग कहता है कि मैं तुम्हें ढूंढ रहा था पानी के अंदर, लेकिन ऑक्सीजन की कमी की वजह से गलती से मैं एक पत्थर से टकरा गया और पानी के अंदर ही बेहोश हो गया, वो तो अच्छा हुआ मेरी बॉडी डूबते डूबते यहाँ पे आ गई। तभी अचानक से पिंग पिंग को याद आता है कि क्यूहान भी यहीं पे ही है और अगर बाय चांस क्वीशेंग ने देख लिया क्यूहान को तो वो मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा, जिसके बाद फटाफट भाग भाग के पिंग पिंग क्यूहान के पास जाती है, लेकिन क्वीशेंग भी पीछे पीछे चले जाता है पिंग पिंग के और वो क्यूहान को देख लेता है, जहाँ पे पिंग पिंग एक्टिंग करती है कि उसने तो क्यूहान को देखा ही नहीं और अभी अभी मिली है क्यूहान से। क्यूहान क्वीशेंग की चोट को ठीक करता और पूछता है कि क्या वो गुंडे तुमने भेजे थे, जिसपे क्वीशेंग कहता है कि मैं क्यों भेजूंगा, वरना मैं अपने आप को ही चोट क्यों मारूंगा, जिसपे क्यूहान और क्वीशेंग सोच में पड़ जाते हैं कि हमारे ट्रैप के बारे में और किस किस को पता है। तो दोनों को साथ में ही आता है कि शायद से क्वीमिंग ने भेजा होगा, जिसे सुनते ही पिंग पिंग भी काफी हैरान हो जाती है और सोचने लग जाती है इतना नॉर्मल इंसान ऐसा कैसे कर सकता है। पिंग पिंग आगे कहती है क्वीमिंग ने ये इसलिए करा होगा क्योंकि वो इतने सालों से ग्रीन हैट बनते आया है, जिसे सुनके क्वीहान और क्वीशेंग को समझ नहीं पाते। तो पिंग पिंग बताती है ग्रीन हैट मतलब कि जैसे हमारी वाइफ जो है किसी और लड़के के साथ रिलेशनशिप में हो, जिसे सुनके क्वीशेंग खड़े होता है और दूर जाके दोबारा पिंग पिंग को अपने पास बुलाता है। पिंग पिंग जब क्वीशेंग के पास जाती है तो क्वीशेंग उसे किस कर देता है और फिर पूछता है कि क्या तुम मुझे तो ग्रीन हैट नहीं बना रही हो ना। तो यहाँ पे क्वीशेंग का सीधा डायरेक्टली कहने का मतलब क्वीहान से था।
ये लोग आपस में बात ही कर रहे होते हैं कि तभी अचानक से सुनते हैं कि बहुत लोग यहाँ पे आ चुके हैं। तो ये तीनों छुपके देख रहे होते हैं कि कहीं ये क्यूमिंग ने तो नहीं भेजा है। तो पिंग पिंग कहती है कि मेरे को इन लोगों के सामने जाना चाहिए, क्योंकि अगर तुम दोनों को इन्होंने देख लिया तो ये तुम दोनों में से किसी को भी हमला कर सकते हैं, और तुम दोनों में से ही कोई आगे चल के राजा बनना है तो तुम्हारी जान को ज्यादा खतरा है, तो मैं चली जाती हूँ। पिंग पिंग चली जाती है उन लोगों के पास और हाई करने लग जाती है, और गलती से पिंग पिंग के पैर फिसल जाते हैं। पिंग पिंग की जब आंख खुलती है तो वो क्वी हान के टेंट में होती है, और वहाँ पे क्वीशिंग मौजूद होता है और पिंग पिंग को बताता है कि वो हमारे ही आदमी थे, वो तो अच्छा हुआ क्वीमिंग के आदमी नहीं थे, वरना हम सब लोग मारे जाते। थोड़ी टाइम बाद अचानक से राजमहल से कुछ आदमी आते हैं और क्वीशिंग को बताते हैं कि आपके डैड की मृत्यु हो गई है, तो अब जगह को तो राजा की जरूरत है, तो इसलिए आपको जल्द से जल्द जाना पड़ेगा राजमहल पहुंच के राजपोशिका करने के लिए। जिसपे क्वीशिंग डिसाइड करता है कि वो और क्वीहान चले जाएंगे और पिंग पिंग को यहीं पे छोड़ देंगे, क्योंकि अगर बाई चांस रास्ते में खतरा होगा तो कहीं पिंग पिंग भी घायल ना हो जाए। लेकिन इस न्यूज के बारे में पिंग पिंग को कुछ पता नहीं चलता। पिंग पिंग को सिर्फ इतना पता चलता है कि राजा की मृत्यु होगी, इसी वजह से क्वीहान और क्वीशिंग राजा बनने के लिए चले गए हैं। सीन कुछ दिनों बाद शिफ्ट होता है जहाँ पे पिंग पिंग काफी दिनों से वहीं पे टेंट में बैठे बैठे काफी ज्यादा बोर हो गई की थी कि तभी वहाँ पे लूली आती है, जो कि पिंग पिंग के लिए काफी ज्यादा फ्रूट्स लेके आती है, क्योंकि जंगल में तो बिल्कुल ही घास फूस खा रही होगी वो। और जिसके बाद लूली पिंग पिंग को अपने साथ राजमहल लेके जाती है। वहीं पे अब महल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे क्वी हान को अब क्वी शेंग के हर हुक्म को मानना था, और क्वी शेंग ने क्वी हान को इस चीज की ड्यूटी दी थी कि वो हर एरिया की अच्छे से देखरेख करेगा और उसको ठीक करने की कोशिश करेगा। और दूसरी तरफ क्वी मिंग ने क्वी शेंग को मारने की कोशिश की थी, जिस वजह से क्वी शेंग ज्यादा बड़ी सजा तो नहीं देता अपने भाई को, बस इतना कहता है कि तुम जो हो अब हमेशा के लिए इसी घर में रहोगे, मतलब इसी कमरे में बैठे रहोगे। और यहाँ पे ना क्वी मिंग भी बिल्कुल पागलों की तरह हरकतें कर रहा होता है, क्योंकि वो अपने वाइफ के पास नहीं जा पा रहा होता है। और यही भी हमारे पार्ट खत्म होता है, अगला पार्ट भी बहुत जल्दी आ जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।